नमस्कार, मैं हूं नेहा मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ अजय भारत। शिविर के हंडिया गांव में एक पिता ने अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जी हां, शिविर के हंडिया गांव में एक पिता ने अपने दोनों बच्चों को तलवार से काट दिया। आप जब रीजन सुनेंगे, जब वजह जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। कुछ दिन पहले उसकी पत्नी को ये पता चला कि उसके पति का अवैध संबंध है उसकी भाभी से, जहां इसको लेकर हमेशा दोनों में झगड़ा होता था। वहीं जब ये झगड़ा इतना बढ़ गया तो एक रात पिता ने ही अपने दोनों बच्चे को कमरे में ले जाकर उसे तलवार से काट दिया। वहीं उसके बाद खुद पिता ने भी आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। ओ बाबा, पहले से भौजाई से लागबाज है, उसको कारण ही अपना पत्नी के बच्चा को किसी के कमरे तमरे नहीं देता था पहले से। होते होते पहले मतारी बाप को मारा, उसे हुआ काम करने गया, सांझ में आया, सांझ में आने के बगत में मतलब दोनों बच्चा के घर में बुला लिया। भौजैया इसको मतलब अच्छा बच्चा को आने नहीं दिया, आ जाके छुता करके ये मतलब घर में जाके दोनों बच्चा को काट दिया, पीतल के गिरी छिटकिली लगा दिया और लगा के दोनों बच्चों का काट खोल दिया। काटने के बाद भी अपने घर फंसी लगा के मारा अपने भौजाई से, जिसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसके चक्कर में प्रेशर में आके अपने बच्चों को तलवार से मार के हत्या कर दिया। तो उसके बाद खुद फांसी लगा के पंखे में लटक के मर गया। जब हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग पहुंचे वहाँ घटनास्थल पर, दरवाजे को तोड़ करके लाश को थाना प्रभारी आए और लाश को देखे, उनको उतार करके रिपोर्ट बनाया, हम लोग यहाँ लेके आए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक पिता का अवैध संबंध उस पर इतना हावी हो गया कि उसने अपने दोनों मासूम बच्चों की हत्या कर दी। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत। नमस्कार।